Hey guys, today we will start our math partial differential equation. So ये BSc second semester का maths है, second year का third semester का maths है. So आज से हम इस math को start करेंगे and try करेंगे इस math को complete करने की. So आज हम first chapter से start करेंगे. So our first chapter is फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती है. वो इक्वेशंस जो कंटेन करे वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, लाइक कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स. तो देखते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत कब पड़ती है हमें, जब हमारे पास टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, देन हमें पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है. अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन nth डेरिवेटिव को कंटेन करती है, तब उसको हम nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. अब देख लीजिए, देखिए x एंड y आर कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज़ रिकॉर्डेड एज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y. सो आपको ये आगे आगे समझ आएगा. तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं. हम सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. अब तो फर्स्ट एग्जांपल बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा, आप करेंगे. तो सेकंड एग्जांपल क्या है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन. सो इस इक्वेशन में से हमें एच एंड के को एलिमिनेट करना है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. सो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, ये है. अब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये कंटेन कर रही है मोर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो इसका हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे. तो फर्स्ट वी डू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब एक्स का करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी दिस एज इट इज़. देन अगर हम एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा. नाउ वाई, वाई क्या है, कांस्टेंट है. क्यों, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं. पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट से हम, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव करते हैं, उसके अलावा अगर कोई और वेरिएबल हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है. और अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो आता है. मतलब ये हमारे पास क्या बनेगी, ज़ीरो. अब क्योंकि z मेरा फंक्शन है x एंड y का, मीन्स जो z है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है x एंड y वेरिएबल्स में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ z का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डेरिवेटिव. कल ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, एंड क्योंकि y का ज़ीरो हो जाएगा तो y वाली टर्म नहीं लेंगे. तो z स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 2z एंड z का विद रिस्पेक्ट टू x. क्योंकि हमें नहीं पता कि z किस तरह का फंक्शन है, बट z में x एंड y बहुत वेरिएबल्स हैं. तो x का तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बट y का नहीं कंसिडर करेंगे. सिमिलरली जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देन इसका क्या आएगा, 2y माइनस के, एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा. बट x कॉन्स्टेंट रेट होगा, कॉन्स्टेंट रेट होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो. एंड z का जैसे हमने x में किया था, 2z कर्ली z बाय कर्ली y. तो हमारे पास क्या आ गई, ये दो इक्वेशंस आ गई. अब यहाँ से x माइनस h की वैल्यू निकाल लीजिए, और इस इक्वेशन से y माइनस k की कैसे, इसको इधर ले जाइए, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, फिर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस h इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स. सिमिलरली आप इस टर्म को इधर ले जाइए, नेगेटिव के साइन के साथ आ जाइए कि 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली वाई. अब यहाँ से एच
तो x माइनस एच एंड y माइनस k की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या नहीं है, हमने एलिमिनेट कर दिया है h एंड k को, और यही हमने करना था एंड ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ए बी सी को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि हमें गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है। अब हम फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ऑफ एक्स। अब देखिए ए बी सी मेरे क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू ऑफ ए का, सॉरी क्या ले लीजिए एक्स स्क्वेयर ए का, तो एक्स ए का तो ए मेरा बाहर आ जाता है कॉन्स्टेंट, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, सिर्फ एक्स का। तो सिमिलरली वन बाय ए स्क्वेयर तो एज इट इज़ रहेगा, बट हम एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, टू ऑफ एक्स। अब y का तो ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होकर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। z का कैसे होगा, वन बाय सी स्क्वेयर बाहर रहेगा, टू ऑफ z कर ली, नेक्स्ट आएगा z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज़ कर ली z बाय कर ली x। देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज y इज द कॉन्स्टेंट। सो हमारे पास क्या आ गया, टू को आप कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो वो ज़ीरो में, ज़ीरो के साथ ज़ीरो बाय टू आएगा, ज़ीरो बाय टू इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वेशन आएगी। अब क्या कीजिए, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या आएगा, सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कर ली जेड बाय कर ली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इधर ले लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो आएगा, और इधर हमारे पास ये रह जाएगी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव लिख लेंगे, z का लिख लेंगे, x हमारा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा विच इज इक्वल टू ज़ीरो। देन आफ्टर सॉल्विंग एज अ प्रीवियस स्टेप हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, सी स्क्वेयर वाई प्लस बी स्क्वेयर जेड कर ली जेड बाई कर ली वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस एग्जाम्पल में द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास कितने थे, थ्री थे, विच इज़ ए बी एंड सी, एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने थे हमारे, एक्स एंड वाई विच इज़ टू। तो मतलब कि हमारे कॉन्स्टेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हमें इन तीनों ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर टू को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टू, एंड थर्ड को विच इज़ इक्वल टू थ्री, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन नंबर टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस, देखिए यही है सी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर को बाहर रखेंगे एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड कर ली जेड बाई कर ली एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो हम दो टर्म्स हैं, तो हम यू एंड वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेरिवेटिव एंड ऑफ यू एंड वी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यू वी एज इट इज़ प्लस वी का डेरिवेटिव और u as it is। तो वही पहले इन्होंने z को as it is रखा है, कर्ली z by कर्ली x का डेरिवेटिव किया है विच इज़ कर्ली स्क्वेयर z by कर्ली x square प्लस a square। अब z का किया है, z का पार्शली डेरिवेटिव क्या होगा, कर्ली z by कर्ली x। तो और जो सेकंड वाला हमारा कर्ली z by कर्ली x है वो सेम रहेगा। अब दोनों हमारे पास क्या आ गया, कर्ली z कर्ली x, ये z का डेरिवेटिव था और v हमारा क्या था, कर ली z बाई कर ली
एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का स्क्वेयर, वही लिखा है। सिमिलरली जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इक्वेशन आ जाएगी, वेयर यहाँ पे यू एंड वी के प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे हमने इसमें लगाया था विच इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ से सी स्क्वेयर की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अब हमने क्या किया, हमने सी स्क्वेयर की वैल्यू निकाली है फ्रॉम टू एंड पुट की है फोर में। सो टू से अगर हम सी स्क्वेयर की वैल्यू निकाले क्या आएगा, इसको इक्वालिटी के इधर ले जाइए तो माइनस ऑफ ए स्क्वेयर जेड कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, एंड एक्स को फिर यहाँ पे डिवाइड में ले लीजिए, सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। इसको फोर में, इक्वेशन नंबर फोर में पुट कीजिए। जब हम इस सी स्क्वेयर की वैल्यू को फोर में पुट करेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वेयर के प्लेस पे हमने ये वैल्यू रखनी है, ये निकाली थी हमने इक्वेशन नंबर टू से सी स्क्वेयर की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दी, प्लस ए स्क्वेयर जेड कर्ली जेड कर्ली स्क्वेयर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर। अब हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया है, सॉरी ए स्क्वेयर से इस इक्वेशन को डिवाइड किया है। जब हम इस इक्वेशन से ए स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एंड नेक्स्ट क्या किया, मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये एक्स मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जेड कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, ये लिखा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स जेड कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का स्क्वेयर। तो यही हमने निकालनी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट ए एंड ए बी एंड सी, इसमें देखिए कहीं भी ए बी सी नहीं है। सिमिलर प्रोसेस हम किसके साथ करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से हम वैल्यू निकालेंगे सी स्क्वेयर की एंड पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। तो सेम प्रोसेस के साथ आप यहाँ से वाई एंड जेड की फॉर्म में वैल्यू इक्वेशन निकाल लेंगे, और ये भी विदाउट कॉन्स्टेंट्स होगी। सो हमने यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कॉन्स्टेंट लैम अल्फा, सॉरी लैम्डा, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लैम्डा एंड ए फ्रॉम द इक्वेशन जेड इज इक्वल टू ए ई माइनस अल्फा सॉरी लैम्डा स्क्वेयर टी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। तो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड एलिमिनेट करना है कॉन्स्टेंट लैम्डा एंड ए को। तो हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन क्या थी, ए ई माइनस लैम्डा अल्फा लैम्डा स्क्वेयर टी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये सेम रहेगा सिर्फ क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाली टर्म हमारी डिफरेंशिएट होगी, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ साइन, सो वही लिखा है, एंड ये आ जाएगी, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू सॉरी कॉस ऑफ ले लीजिए माइनस ऑफ साइन ए ऑफ एक्स इंटू ए एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव ए, तो वही लिखा है। सेकेंड हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो सिर्फ कौन सी टर्म का डेरिवेटिव होगा, इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टी इज इक्वल टू ई टी, एंड टी के साथ में अगर कुछ है तो देन डेरिवेटिव ऑफ ए टी विच इज इक्वल टू ए, तो क्या आ गया, ए ऑफ ये आ जाएगा। तो वही क्या है, इसका डेरिवेटिव टी के साथ क्या है, लैम्डा स्क्वेयर, ये लैम्डा स्क्वेयर आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने
एलिमिनेट करना है ए एंड लैम्डा को। सो देखते हैं कैसे किया है। इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही साइन ऑफ लैम्डा एक्स हमारा डिफरेंशिएट होगा विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। अब देखते हैं, देखिए ये हमारी टर्म किसके इक्वल आ गई, क्या कर्ली जेड बाई कर्ली टी के इक्वल नहीं आ गई, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम कर्ली जेड बाई कर्ली टी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं दिस इक्वेशन इज़ विदाउट लैम्डा एंड ए, मीन्स विदाउट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, और हमने यही प्रूव करना था। सो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।